एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई वगैरह जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में बाहर आया है, ये सब एजेंसीज वसूली का काम कर रही थी सरकार के लिए। पहले किसी के ऊपर रेड कर दी, फिर सरकार ने बोला कि अच्छा उसने पैसा दे दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए, फिर आपने अपना हाथ खींच लिया। तो ये लोग सब अपराधी हैं। ये एक हमारा पूरे कानून व्यवस्था का, न्यायिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फेल कर रहा है, ये सब सरकारी तोते बन गए हैं, न्यायिक सुधार का आंदोलन नहीं किया तो ये चीज़ सुधरने नहीं वाली है। भीमा कोरेगांव जैसे केसेस में या दिल्ली रायट्स के केसेस में तो ट्रायल भी नहीं शुरू होती, फिर भी बगैर बेल के 6-6, 7-7 साल तक लोगों को जेल में रखा गया। पहली बात तो ये कि इस देश में कानून का राज तो करीब करीब बचा ही नहीं है, और अगर सरकार किसी को ज़बरदस्ती के लिए जेल में बंद करना चाहे तो कोई भी झूठा आरोप लगाकर बंद कर सकती है, सालों सालों तक उसको जेल में रख सकती है। और भीमा कोरेगांव जैसे केसेस में या दिल्ली रायट्स के केसेस में तो ट्रायल भी नहीं शुरू होती, फिर भी बगैर बेल के 6-6, 7-7 साल तक लोगों को जेल में रखा गया। और जेलों की क्या हालत है वो आपने हेम मिश्रा से सुन लिया। और बाद में जब बरी भी हो जाते हैं, जब ट्रायल आखिर में होती है, बहुत सारे लोग 10 साल 20 साल बाद बरी हो जाते हैं, तो ना तो जो पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने झूठा केस बनाया उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है, और ना ही जो जिस जने को प्रताड़ित करके इतने साल तक जेलों में रखा गया, ना ही उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन ऑर्डर किया जाता है। और इसके चलते हुए जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो झूठा केस बना रहे हैं, और अब तो हम देख रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई वगैरह जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में बाहर आया है, ये सब एजेंसीज वसूली का काम कर रही थी सरकार के लिए। और इन ऑफिसर्स की कोई जवाबदेही नहीं है। ये तो ठीक है कि सरकार के दबाव में कर रहे थे, लेकिन कानून का तो बिल्कुल उल्लंघन कर रहे थे कि आपने पहले किसी के ऊपर रेड कर दी, फिर सरकार ने बोला कि अच्छा उसने पैसा दे दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए, फिर आपने अपना हाथ खींच लिया। तो ये लोग सब अपराधी हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में ये लोग तो भ्रष्टाचार के साजिश में लिप्त पाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार, ये ऑफिसर्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के और उन कंपनियों के ऑफिसर, ये सब एक भ्रष्टाचार की साजिश में शामिल दिख रहे हैं। इसी तरह से भीमा कोरेगांव या दिल्ली रायट्स के केस में बिल्कुल झूठे केस बनाए गए हैं। बाहर ये भी बात आ गई है कि जो एविडेंस उनके ख़िलाफ़ पुलिस पेश कर रही है कि उनका ईमेल में कुछ पाया गया, वो भी ईमेल प्लांटेड है पेगासस को यूज़ करके, लेकिन फिर भी उनमें से अभी कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक बेल नहीं मिल पाई है। और उसका एक कारण ये है कि यूएपीए के चार्ज लगाए गए हैं, कहीं पीएमएलए के चार्ज लगाए गए हैं, और इन दोनों कानून में, ये दोनों काले कानून हैं जिनमें बेल लेना तकरीबन असंभव होता है, क्योंकि उसमें बेल का प्रोविज़न बिल्कुल उलट दिया गया है। नॉर्मल बेल का रूल ये कहता है कि बेल राइट है, जेल एक्सेप्शन है, और बेल तभी डिनाई करी जाएगी अगर तीन में से एक, कम से कम एक कारण प्रेजेंट हो। पहला तो ये कि अगर इसको बेल दी गई तो ये भाग जाएगा और ट्रायल नहीं फेस करेगा,
दूसरा ये कि अगर बेल दी गई तो एविडेंस से छेड़छाड़ करेगा। तीसरा ये कि अगर बेल दी गई तो इसने बहुत एक घिनौना अपराध किया है और इसी तरह के अपराध रिपीट करेगा। अब इन सारे केसेस में इन तीनों आधार पर तो इन लोगों को, चाहे ये भीमा कोरेगांव के लोग हों चाहे उमर खालिद जैसे लोग हों, इनको बेल नहीं डिनाई करी जा सकती थी। तो UAPA और PMLA में बेल का कानून उलट दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी प्राइमा फेसी केस किसी अक्यूज्ड के खिलाफ है तो उसको बेल नहीं दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल में, तो सुप्रीम कोर्ट का काम नॉर्मल ये था कि ऐसे प्रोविज़न को, वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और लिबर्टी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले इंटरप्रेट किया था कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इन अकॉर्डेंस विद ए रीज़नेबल लॉ, लेकिन ये कानून बिल्कुल अनरीज़नेबल है, हमारे लिबर्टी के बिल्कुल खिलाफ है, कायदे से इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन रद्द करना तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में ने हाल में, वही खानविलकर साहब जिनको अभी लोकपाल बना दिया गया है, उन्होंने एक फैसला दिया जिसमें लिख दिया कि बेल देते समय जज ये भी नहीं देखेगा कि इसके खिलाफ जो एविडेंस पुलिस ने पेश किया है ये कानूनी एविडेंस है कि नहीं। तो ये जो फेलियर हो रहा है हमारे रूल ऑफ लॉ का, राइट टू लाइफ और लिबर्टी का, जिसमें कि सालों साल तक झूठे आरोप के आधार पर लोगों को जेल में रखा जा रहा है, जेल के अंदर तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, सब कुछ कानून के खिलाफ हो रहा है, कई बार सरकार के साथ साजिश में हो रहा है ज़्यादातर, लेकिन किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा है, कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं दिया जा रहा है। ये एक हमारा पूरे कानून व्यवस्था का, न्यायिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा फेलियर, बहुत ही बड़ा फेलियर। और इसको ठीक करने के लिए कायदे से सुप्रीम कोर्ट को ही पहल करनी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान तो बिल्कुल क्लियर है कि कानून का राज चलना चाहिए, हर एक जने की जवाबदेही होनी चाहिए, और इस तरह के कानून हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फेल कर रहा है, कम से कम इसमें। हाल में ये इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में उन्होंने जो खुलासा करवाया है ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कायदे से आगे चलकर इसको फॉलो थ्रू करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये बात निकल कर आ रही है, ये ED, IT, CBI को वसूली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था सरकार के द्वारा, जो कि इससे साफ जाहिर है कि ये लोग भ्रष्ट आधार पर काम कर रहे थे। तो इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, इनका सरकार का जो नियंत्रण है इन सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के ऊपर, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दिए लेकिन वो अभी तक लागू नहीं करे गए, ये सब एजेंसीज़ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी कई आदेश दिए गए, वो सब सरकार ने ध्वस्त कर दिए हैं एक तरीके से। और इन सब एजेंसीज़ को अपना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये केज्ड पैरेट है, यानी कि पिंजड़े में एक तोता है, सरकारी तोता है, ये सब सरकारी तोते बन गए हैं, इनको पिंजड़े से छुड़ाने की ज़रूरत है, अफसरों की जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है और जजों की भी। अगर कोई जज सरकार के दबाव में आकर बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से लोगों की लिबर्टी को डिनाई करता है, बेल बार बार डिनाई करता जाता है, तो उसके खिलाफ कम से कम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि वो जज बनने के लायक नहीं है फिर। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत गंभीर व्यवस्था है हमारे देश में इस समय, पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है बहुत ही
शर्मनाक व्यवस्था हो गई है, और इसको अगर हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई इसके खिलाफ और न्यायिक सुधार का आंदोलन नहीं किया तो ये चीज़ सुधरने नहीं वाली है, क्योंकि ना तो सरकार इंटरेस्टेड है और ना ही हम देख रहे हैं कि ना ही न्यायालय इंटरेस्टेड है इस तरह के सुधार लाने में। तो इसलिए इसमें जब तक जनता की आवाज़ का दबाव नहीं बनेगा तब तक ये सब सुधार नहीं होने वाले हैं। ये सारे केसेस जो हैं ये सब इलस्ट्रेट करते हैं, हेम मिश्रा का या साई बाबा का या भीमा कोरेगांव के जो लोग हैं उनका, कि हमारी व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।